अग्नि। चौथा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उससे भी अधिक भयावह। कभी अग्नि को नियंत्रित रूप से चूल्हे पर जलते हुए देखी? ये अग्नि हमें अन्न पका के देती है, जिससे हमें शक्ति मिलती है। किंतु यही अग्नि जब विचलित होकर, अनियंत्रित होकर वन की आग बन जाती है तो महाविध्वंस मचा देती है। आपके भीतर की ऊर्जा ये अग्नि है, ये शक्ति भी है, ये क्रोध भी है। इसका उपयोग कैसे करना है ये आप पर। यदि कोई व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा का उपयोग करता है शक्ति के रूप में, तो वो विकास कर सकता है, निर्माण कर सकता है। किंतु यदि व्यक्ति अपनी भीतर की ऊर्जा को विध्वंस का अस्त्र बना दे, तो निश्चित रूप से महाविध्वंस कर सकता है, जिसमें नाश उसका भी होगा। वर्षों पूर्व ऐसी ही एक अग्नि से इस सुंदर पृथ्वी का जन्म हुआ था, और वर्षों पूर्व ऐसी ही अग्नि में सभी जीव संसार के विलुप्त हुए थे। अब आप अपनी भीतर की ऊर्जा से निर्माण करना चाहेंगे या विनाश करना चाहेंगे, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।